मैहर प्रवास के दौरान भोजशाला पर मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान सामने आया है। इतिहास में लिखी चीजों को पुनर्स्थापित करना भारत सरकार का कर्तव्य है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर भी प्रहलाद पटेल ने तंज कसा है। प्रहलाद पटेल आज रीवा संभाग के दौरे पर थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर लोकसभा चुनाव के लिए उनमें जोश भरा। मंत्री पटेल ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मध्य प्रदेश के भोजशाला सर्वे और केजरीवाल की गिरफ्तारी जैसे बड़े मामलों को लेकर भी अपना बयान दिया है। सुनिए मंत्री प्रहलाद पटेल ने इन मुद्दों को लेकर क्या कहा। भारतीय राजनीति के इतने लंबे कालखंड में इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में आगमन ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस की नीतियां पूरी तरह से विफल है। उनकी जो अमर्यादित भाषा है, धर्म और संस्कृति और हमारे नेतृत्व के प्रति, उसे न तो देश का लोकतंत्र स्वीकार करता है और न देश की जनता स्वीकार करती है। और इसलिए मुझे गर्व है कि शुचितापूर्ण ये 10 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व के थे, उसने वो जो ऐतिहासिक घटना अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा ने उस तमाम लोगों को जो कभी राम जी का जय बोलने में किसी दबाव में कतराते थे, उनको शायद ये अवसर मिल गया कि अब वो निर्भय होकर राम का गुणगान कर सकते हैं। मैं इसी दृष्टि से देखता हूँ और इसलिए पार्टी में आने वाले किसी भी दल के व्यक्ति में जिसने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, मैं मानता हूँ कि देश की आज़ादी के जब 100 वर्ष होंगे तो भारत माता दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर बैठी होगी। इस यात्रा में वो शामिल हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। सर, वो साल का आज सर्वे हो रहा है, इतिहास में जो लिखा है उसे पुनर्स्थापित करना भारत और भारत की सरकार दोनों का कर्तव्य है। सर, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि केजरीवाल निर्दोष है और एनडीए गठबंधन में जब से आए तो उनके ऊपर गिरफ्तारी की गई। चोर को कहाँ होना चाहिए, दिग्विजय सिंह उत्तर दे दे। ये खुली छूट इस देश में अब मिलनी नहीं चाहिए। जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, उनका पूरा मंत्रिमंडल जेल में है, मैं मुख्यमंत्री के, और उसके बाद एक कुतर्क लगाना, एजेंसियां महीनों से उन्हें तलाश रही हैं, ये देश देख रहा है। आप धन्यवाद के पात्र हैं, यदि आप लोगों ने दिखाया नहीं होता तो शायद हम जवाब नहीं दे पाते। इतनी बार नोटिस गए हैं, न्यायालय में तक गए हैं, तो मुझे लगता है कि देश की जनता आपके माध्यम से देख पा रही है, तो हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है।